क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते विमान में हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का जन्म स्थान और उसकी नागरिकता क्या होगी? ये बात कहने में तो बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि भारत में कोई भी महिला जो 7 महीने या उससे अधिक समय से प्रेग्नेंट है तो उसे हवाई यात्रा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल मामलों में इसकी अनुमति दे दी जाती है। ऐसे में अगर भारत से अमेरिका जा रहे विमान में कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान क्या दर्ज होगा और उसकी नागरिकता क्या होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस तरह के मामलों में सबसे पहले ये देखना होगा कि बच्चे के जन्म के समय विमान किस देश की सीमा के ऊपर उड़ रहा है। लैंडिंग के बाद उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से बच्चे के जन्म प्रमाण संबंधी दस्तावेज लिए जा सकते हैं। इस दौरान बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में उसी देश का नाम लिखा जाएगा जिस देश की सीमा में बच्चा पैदा हुआ है। हालांकि बच्चे के पास ये अधिकार भी होता है कि उसे अपने माता पिता के देश की नागरिकता मिल सके। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान से अमेरिका जा रहा कोई विमान भारतीय सीमा के ऊपर से गुजर रहा हो और इसी दौरान विमान में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो ऐसे मामले में बच्चे का जन्म स्थान भारत माना जाएगा और उस बच्चे को अपने माता पिता के देश की नागरिकता के साथ साथ भारत की नागरिकता भी मिल सकती है। हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कुछ दिनों पहले अमेरिका में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम से एक विमान ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी। विमान जब अटलांटिक महासागर क्षेत्र में पहुंचा तो एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। हालांकि बाद में मां और बच्चे को अमेरिका के अस्पताल ले जाया गया। बच्ची का जन्म अमेरिका की सीमा में हुआ था, इसीलिए उसे अमेरिका और नीदरलैंड दोनों देश की नागरिकता मिली। विमान में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर हर देश में अलग अलग नियम हैं, वहीं कई देशों में तो इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा? प्लीज शेयर योर व्यू ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।